क्वेश्चन करते हैं, बातें नहीं बातें नहीं। देखिए ग्रेविटेशन, देखिए ग्रेविटेशन के सच्चे पर भाई एक बातें करो। देखिए ग्रेविटेशन में बेटा सबसे पहली बात तो ध्यान से सुनिए। देखिए ग्रेविटेशन में सबसे पहली बात तो बेटा हम लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है। जाहिर सी बात है न्यूटन के माथे पे एप्पल गिरा था और यहीं से उनका दिमाग जो है काम करना शुरू किया। देखिए चलिए जिनको बात करना हो बाहर चले जाओ एक बार इकट्ठा और धूप में अपना लोट लोट के बात करो। पूरा एकदम मैदान खाली है, उधर लोटते रहो लोटते रहो लोटते लोटते उधर चले जाओ गली में, क्या दिक्कत है, इतना पूरा एकदम जगह खाली पड़ा है ऐसा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बेटा सबसे पहली बात तो देखिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड है पॉइंट मासेस के लिए। न्यूटन ने कहा इस यूनिवर्स में एवरी मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा कि एवरी मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ये मास की वजह से लगता है और एवरी मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर इन्होंने कहा कि ये मान लीजिए एम वन मास है और ये मान लीजिए एम टू मास है, ध्यान से सुनिए, और इनके बीच का डिस्टेंस आर है, तो ये मासेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकता है, ग्रेविटेशनल ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, कभी भी रिपेल नहीं कर सकता है। अब ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा अलोंग द लाइन, मान लीजिए एफ फोर्स से, और ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा अलोंग द लाइन एफ फोर्स से, ध्यान दीजिएगा। तो न्यूटन ने कहा कि ये जो फोर्स होगा जो ये मास इसको और उतना ही फोर्स लगेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये हल्का मास है मास कम है तो फोर्स कम लगाएगा, ये हैवी है तो फोर्स ज्यादा लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों मासेस एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। अगर अर्थ मेरे को जितने भी फोर्स से खींच रहा हो उतना ही अर्थ को मैं भी फोर्स से उतना ही खींच रहा हूं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं। और यहां पर जो फोर्स होगा बेटा वो न्यूटन के अकॉर्डिंगली जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये न्यूटन का ये ग्रेविटेशन लॉ है कि दो पॉइंट मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, जहां जी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप सभी लोग जानते होंगे, बताइए बेटा। हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। और m1 m2 दोनों पॉइंट मासेस हैं और r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, ये लिख लीजिए पहले, दिस इज द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ब्लड तो क्या है माइनस 11 है, हाँ लाहौल वाला कुपर 10 टू दी पावर माइनस 11 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 अभी तो गड़बड़ हो जाता है, गलती से मिस्टेक हो गया आराम से, ये लगता है तारक मेहता की टाइम सब बैठ बहुत ज्यादा तारक मेहता अरे सेजर ने तो सिंचन देख करके अपना बचपन बिता है, सिंचन का सारा करेक्टर याद है, सारे डायलॉग से याद है।
मिटा दें। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, ग्रेविटेशन में ध्यान से देखिए, देखिए ग्रेविटेशन में पहली बात यहां पर सुनिएगा बेटा ध्यान से, कि ये जो ग्रेविटेशन लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये वैलिड होता है पॉइंट मास के लिए। तो दिस लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट मासे, दिस लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट मासे, वैलिड फॉर पॉइंट मासे। एक मिनट सुनिए, बातें ना करिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये पॉइंट मास के लिए बेटा वैलिड होता है। अब सवाल उठता है कि पॉइंट मास किसे कहते हैं। पॉइंट मास होता बेटा कि ये जो है पॉइंट मास जो है, सुनिएगा आराम से, पॉइंट मास जो है वो यहां पर क्या मतलब होता है। जैसे दो मास है, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा हो कि उनके साइज बहुत छोटे हो जाए, नेग्लिजिबल साइज हो जाए, तो एट दैट टाइम ये पॉइंट मास कहलाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट मास का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट उसी का मास होगा ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर, उनके बीच का सेपरेशन इतना ज्यादा है कि उनका जो भी साइज है वो दैट साइज विल बी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल हो जाएगा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो हम यहां पर बोलते हैं कि वो पॉइंट मास है। जैसे सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए सन का साइज और अर्थ का साइज काफी छोटा हो जाता है, एंड उस समय हम पॉइंट मास कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहां पर पॉइंट मासेस का मतलब होता है कि when separation between two masses is large in comparison with size, साइज के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा हो जाता है सेपरेशन, तो उस केस में बेटा हम इसे पॉइंट मास कहते हैं। रुकिए ध्यान से तो सेपरेशन बिटवीन टू मासेज इज लार्ज इन कंपैरिजन विद साइज, तो हम इसे बोलते हैं पॉइंट मास। मेरी बात सुनिए ध्यान से, इधर देखिए, यहां पर क्या होता है बेटा, एक केस में और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ वैलिड हो जाता है। सुनिएगा ध्यान से, जब दो स्फीयर होते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा ये दो स्फीयर है, और मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस है 2r, इनके बीच का डिस्टेंस है 2r, और ये रेडियस है मान लीजिए 3r है, और ये रेडियस है r और r, इसका मास सपोज दैट m1 है और इसका मास m2 है। आप यहां पर कहेंगे सर ये दो मासेस, आपने कहा पॉइंट मास तब होता है जब सेपरेशन बहुत बड़ा होता है और साइज बहुत छोटा होता है। यहां पर सर सेपरेशन कितना है दोनों सेंटर के बीच, 2r, एंड साइज है r, तो सर यहां नेग्लिजिबल तो है नहीं साइज, तो कायदे प्लस कानून से कहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड नहीं होगा। लेकिन यहां पर बेटा न्यूटन ने यहां पर एक बात बताया, इन केस ऑफ स्फीयर्स ओनली, इन केस ऑफ स्फीयर्स यानी स्फीयर का केस रहेगा कि दो स्फीयर है और कुछ इस तरह का मामला हो कि डिस्टेंस ज्यादा बड़ा नहीं है, साइज बड़े बड़े हैं, नेग्लिजिबल नहीं है, तो यहां पर भी आप न्यूटन से ग्रेविटेशनल लॉ लगा सकते हैं। इसे हम बोलते हैं सेल थ्योरम, यानी न्यूटन का केवल एक जगह ये मामला बन जाता है। यहां पर अगर मुझसे कहेगा कि ये दोनों स्फीयर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ये जो सेंटर है दोनों सेंटरों को मिला दो, और इस तरफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और उतना ही फोर्स है इधर, और यहां पर आप जो है इस पूरे मास को सेंटर ऑफ मास में मान लीजिए, m1 मास यहां पर है तो m1 मास का पार्टिकल यहां, और m2 मास यहां पर है तो m2 मास का पार्टिकल यहां पर, यानी स्फीयर भूल जाइए, m1 मास का पार्टिकल सेंटर पे और m2 मास का पार्टिकल इसके सेंटर पर, और सोचिए डिस्टेंस है 3r, तो f = g m1 m2 / 3r का होल स्क्वायर, दैट इज 9r स्क्वायर, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर द स्फीयर्स। अगर आप उससे कहेंगे सर एक क्यूब है और एक स्फीयर है, तो क्या यहां भी कर सकते हैं दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां यार कर सकते हैं, तो नहीं, यहां वैलिड नहीं होगा, यहां वैलिड नहीं होगा। इसको बोलते हैं सेल थ्योरम, दिस इज कॉल्ड द सेल थ्योरम। ये एक सेल थ्योरम है जिसमें बताया गया है
कि अगर दो स्फीयर हैं तो उस केस में अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा न भी हो तो भी न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ वैलिड है। अब अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि एक रॉड है और ये एक स्फीयर है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए, तो ऐसा मत कर देना कि सर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, पार्टिकल दो मान लेंगे और फोर्स निकाल देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट केवल और केवल स्फीयर के केस में, वही दो स्फीयर है तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर बेटा ये आप लगा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेम थ्योरम। बात समझ में आ गई? लिखिए, थ्री आर दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस फोर आर हो सकता है, फाइव आर हो सकता है। जी जी जी, शांति शांति, गाते आराम से। सब बताऊंगा तेरे से, बैठूंगा और वही अखाड़ा नूरा कुछ नहीं करेंगे उस दिन मैं जाऊंगा। ठीक है, पक्का कसम से, क्लास के बाद। ठीक है, मिटा दे बच्चों। छोड़ दे के भी पता है, सब व्यर्थ है, कुछ नहीं है, खाली पढ़ाई लिखाई बस। देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए। अब यहां पर बेटा बहुत आराम से सुनिएगा, प्लीज बातचीत मत करिए और ध्यान से सुनिए। यहां पर बेटा सब बढ़िया के भी तो यहां बैठा था, फिर क्यों भागा? एक जगह बैठ, डिसाइड कर ले कहां बैठना है। देखिए, अरे आराम से, क्या हो गया? ऐसा क्या खुसुर खुसुर चल रहा है भाई? देखो देखो देखो, मैं इधर हूं, देखो मैं इधर हूं, मैं यहीं पे हूं। देखो बेटा, अरे सुनो सुनो, अरे भाई छोड़ दो। हाँ अच्छा बेटा, अब अरे अरे पढ़ ले, पढ़ ले कि ना पढ़ ले। चलो ध्यान से देखते बेटा। अरे भाई समय हम लोग का बहुत कीमती है, पता है आप सभी लोगों को? पता ही नहीं पता है? हाँ देखिए, अब यहां पर बेटा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि लेटर सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर ध्यान देना बच्चों। अब मैंने कहा ये पार्टिकल है एम वन, ये पार्टिकल है एम टू, और यहां पर इसकी पोजीशन वेक्टर है आर वन वेक्टर और इसकी पोजीशन वेक्टर है आर टू वेक्टर। अगर मेरे से कहा जाएगा कि ये जो एम टू पार्टिकल है वो एम वन पे फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, एफ वन वेक्टर, ठीक है, ये एफ वन वेक्टर कौन लगा रहा है? एम टू, एम वन पे एफ वन वेक्टर का फोर्स लगा रहा है, तो उसे कहेगा इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिख के दिखाओ। तो हम बोलेंगे बहुत ही सिंपल, एफ वन वेक्टर पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे और फिर डायरेक्शन लिखेंगे। क्या हो गया भाई? जी एम वन एम टू अपॉन, आज केवी कॉमेडी कर रहा है, आज केवी कॉमेडी कर रहा है, कभी इधर से उधर जाता है, कभी पीछे चला जाता है। दिखेगा कहां से बेटा? अभी भी नहीं दिखेगा वहां से, चार पांच बार उछल उछल के उधर से उधर उधर जाना पड़ेगा भाई। देखिए जी एम वन एम टू, भैया शांत, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए
M2 जो M1 पे फोर्स लगा रहा इधर, M2 बोलेगा M1 की पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में इधर है, M2 बोलेगा कि M1 की पोजीशन, M1 M2 से M1 की पोजीशन वेक्टर इधर है, इसको हम बोलते हैं, देखिए M2 बोलेगा कि M1 की पोजीशन वेक्टर इधर है, टेल या हेड या, दिस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, ये R1 2 वेक्टर है, इसको पढ़ते थे एक जमाने में, पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, मतलब ऐसा समझो 2 से फर्स्ट की पोजीशन, 2 से फर्स्ट की पोजीशन। तो यहां पर अगर मैं बोला जाए कि R1 2 वेक्टर बताइए कितना होगा, ये मालूम है I J K के टर्म्स में और ये भी मालूम है I J K के टर्म्स में, हम बोलेंगे देखो सर एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है, ये इनिशियल और ये फाइनल हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता फाइनल माइनस इनिशियल, या वैसे भी R1 2 वेक्टर होता पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, जिसके रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन माइनस में करते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यानी R1 वेक्टर I J K के टर्म्स में रहेगा, यहां रख देंगे जैसे 2i plus 3i plus 5i, फिर यहां R2 वेक्टर भी I J K के टर्म्स में रख देगा माइनस करेंगे I से I का, J से J का, K से K का आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो यानी कुल मिलाकर के यहां पे R1 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है यहां से यहां तक लेंथ डिस्टेंस, और अब डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये तो लिख दिया मैंने मैग्नीट्यूड, अब लिखना है डायरेक्शन, तो इस फोर्स की डायरेक्शन इस पोजीशन वेक्टर के क्या है, अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन अगर ईस्ट है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, वेस्ट, यानी अपोजिट है, तो अगर मुझे इसकी डायरेक्शन बता दो, मैंने सर इसका डायरेक्शन लिख दो और माइनस लगा दो, इसका डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर से लिखते हैं, तो हम लोग यहां पर माइनस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे सर, ताकि फोर्स की डायरेक्शन क्योंकि इसके डायरेक्शन के अपोजिट है, इसके डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, याद करिए आंखों में लिए नए सपने, चल पड़े थे घर से ये कह के हम आएंगे तो डॉक्टर बन के ही आएंगे, यही कहा था ना अपने पेरेंट्स से, मम्मी हमारा सपना हम पूरा करेंगे चिंता मत करो, पापा हम तुम्हारा सपना पूरा करेंगे, बोल रहे हैं अपने ऑफिस में रैंक ला रहे हैं, चिंता मत करो, देखिए ओए बोलो ठीक, अब पावर में टू और यहाँ वन थ्री हो जाएगा, एफ वन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर वन टू वेक्टर का मॉड का क्यूब इनटू आर वन टू वेक्टर, बोलो सही लिखा, बोल ही नहीं रहा बेचारा सन्नाटा सा, शांत है बिल्कुल, ये क्या कह दिया सर, हार्ट टचिंग बात कर दिया आपने, तो सुबह सुबह इमोशनल कर दिया, अच्छा हार्ट होते हैं, अच्छा कोई बात नहीं सब चलता है, मुझसे इतनी इंग्लिश की उम्मीद किया करो, इससे ज्यादा नहीं, आराम से केवी, अब कहीं और बैठना तो देख लो, आज मनोज कुमार सिंह का आता पता नहीं चल रहा है, हो गया बेटा कुछ लोग तो कसम खा लगा हम संडे मनाएंगे, तुम कुछ भी पढ़ाओ मतलब नहीं, हम संडे मनाएंगे, हो गया, देखिए प्यारे बच्चों मिटा दूं, मैं तो
मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं, अच्छा बताओ बच्चों एक बात मुझे समझाओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये M1 है और अगर ये M2 है, अच्छा बताना तो M2 ने M1 पे फोर्स सीधा लगाया F1 वेक्टर, और M2 के रिस्पेक्ट में M1 की पोजीशन वेक्टर इधर है, तो बताइए इसको पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू कहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं F1 वेक्टर लिख के दिखाओ, क्या लिखोगे? पहले देखो माइनस लगा दो, पढ़े लिखे हो जी एम वन एम टू अपॉन, जल्दी बताओ, अगर आर वन टू वेक्टर का मोड का स्क्वायर लगा रहेगा यहाँ क्या लिखोगे? क्या यूनिट वेक्टर। और अगर यही में लिख दिया जाए माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर वन टू मोड क्यूब लगा दिया जाए, बोलो क्या लिखोगे? आर वन टू वेक्टर, बस हो गया, भाई को जान दे। अच्छा सुनो, अगर मैं इसी में कहूं कि ये M1 है ये M2 है, M1 ने M2 पे फोर्स लगाया इधर की तरफ F2 वेक्टर, और 1 के रिस्पेक्ट में 2 की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अब बताओ मुझे F2 वेक्टर लिख के बताना है, क्या लिखें? माइनस लगाएंगे, बोलो क्या लिखे? G M1 M2 अपॉन R21 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ऊपर? क्या है? और वही चीज अगर यहाँ लिख दे F2 वेक्टर माइनस G M1 M2 अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर का क्यूब R21 वेक्टर, सही लिखा? और इन दोनों में बेटा इट इज वेरी क्लियर, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, क्या दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे? अरे होंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, लिख लो इसको, परेशान मत होना, वेक्टर का सवाल आएगा, वेरी इजी, वही वेक्टर है बस। शांति, थोड़ा जल्दी बेटा, भैया आराम से, देखो बेटा सुनो ध्यान से देखो, यहां पर देखिए दो मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मास के बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि दोनों मास के बीच में अगर एयर के बजाय वाटर आ जाए तो क्या इनके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स बदल जाएंगे? तो हम कहेंगे नहीं। अगर कोई और भी मीडियम है, यहाँ कोई मीडियम हो जाए, एयर के अलावा वाटर आ जाए, या कोई मिट्टी डाल दो, नमक डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन
डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, यानी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन द मासेज, मीडियम बिटवीन द मासेज। ठीक है बेटा, आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपसे सवाल कहूं कि बताइए दो स्फीयर है, आइडेंटिकल स्फीयर है और एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखे हुए हैं। अब यहां पे ये मास एम है, ये मास एम है, कहेगा कि दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स आर पर किस तरह से डिपेंड करेगा? बताइए आर पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, जल्दी बताइए। एफ जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर पर कैसे डिपेंड कर रहा है? वन अपॉन आर स्क्वायर, आर की पावर स्क्वायर, आर की पावर फोर, आर की पावर वन अपॉन आर की पावर फोर। बोलिए कौन सा ऑप्शन देंगे? देखने में लगता है प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, क्यों जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, सेम मटेरियल का बना है। दरअसल क्या होगा बेटा, रेडियस पर किस तरह डिपेंड कर रहा है? रेडियस अगर बड़ा करोगे तो मास भी तो बदल जाएगा। यहां पर देखने में हम लोग को लगता है कि f इज इक्वल टू होगा जी एम इंटू एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, पॉइंट मास यहां मानेंगे m, पॉइंट मास यहां मानेंगे, डिस्टेंस होगा 2r, तो 4r स्क्वायर। तो देखने में लगता है सर r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पहला ऑप्शन, बट ये नहीं है, गलत। यहां पर क्या बोलेंगे, रेडियस अगर बढ़ाएंगे तो मास भी तो बढ़ जाएगा, इसीलिए यहां पर हम करेंगे क्या, जी अपॉन 4r स्क्वायर, और मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम होता है 4/3πr³ इंटू डेंसिटी रो। और देखिए सब कुछ कांस्टेंट है, नीचे r स्क्वायर और यहां 3 × 2 = 6, मतलब समझो f प्रोपोर्शनल टू r की पावर 6 अपॉन r स्क्वायर। पढ़े लिखे हो, समझ रहे हो, बताना पड़ता कि तुम पढ़े लिखे हो तब तुम जागते हो। हाँ हम तो पढ़े लिखे थे, क्या कर रहे हैं भाई। अब यहाँ पर ऊपर जाएगा तो आर की पावर 4 बचेगा, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी। क्या हुआ, अचानक से क्यों सर सर करने लगे थे? सब ठीक है ना? अच्छा सी बोले थे, आराम से। दोस्त तुम डेली नहीं आ रहे हो? लिखेगा सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बड़े आराम से। देखिए सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस में यहां पर बेटा सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, यह सुनिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई मास है, अब यहां पे कोई दूसरा मास m1 रखा है और ये मास है, तो ये m1 इस m को अपनी तरफ फोर्स लगा के खींचेगा, ये मास भी इस पे फोर्स लगाएगा, बट वी आर कंसिडरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल,
फिर उसके बाद एम टू मास का दूसरा पार्टिकल है तो यह भी इस एम मास पे फोर्स लगाएगा। अच्छा, इस मास के होने से इस मास का जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसके होने से एफ वन वेक्टर पर कोई असर नहीं आएगा, ये अपना लगाएगा, ये अपने तरीके से लगाएगा, और ये एम मास इस पे फोर्स लगाएगा, हम वो नहीं देख रहे, हम फोर्स देख रहे स्मॉल एम पर। इस तरह से अगर बहुत सारे मासेज आसपास रखे और वी आर कंसीडरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एम, क्या आपको दिख रहा है कि सेम मास पर एक साथ कई फोर्सेस लग रहे हैं? यस, एक साथ कई फोर्सेस लग रहे हैं तो हम बोलते हैं यह सुपरपोजिशन हो रहा है, यानी व्हेन वन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग, जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस किसी पार्टिकल पर एक ही टाइम पर लगते हैं तो दिस इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन। यहां पर बेटा अगर मुझसे कहेगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एम, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एम, अगर मुझसे कहेगा कि नेट फोर्स बताइए एम पर, तो मैं यहां पर बेटा इन सभी का रिजल्टेंट लिख दूंगा। रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर सम, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे तो वी हैव द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एम। आई बात समझ में, लिखो इसे। बिठाया जाए। अब जैसे सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस पे क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए बेटा पहला सवाल बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर मैंने आपसे कहा क्वेश्चन कि ये m है और ये 2m है और यहां पर कोई थर्ड पार्टिकल m नॉट मिड पॉइंट पर रखा है, ये दोनों पार्टिकल अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं, हिंज्ड हैं या पाइवोटेड समझ लीजिए, फिक्स्ड हैं, कहीं जाएंगे नहीं, और एम नॉट को मैंने मिड पॉइंट पे रख दिया, ये डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है, बोलेगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एम नॉट कितना होगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एम नॉट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एम नॉट, एम नॉट पे कितना फोर्स लगेगा? हम बोलेंगे वेरी सिंपल, इस पे फोर्स देखना है, इस पे नहीं देखना है, इस पे नहीं देखना है, क्वेश्चन साफ साफ है, फोर्स एक्टिंग ऑन एम नॉट इस पे देखना है। तो बेटा एम मास इस एम नॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मान लीजिए एफ वन फोर्स से, और ये टू एम इस एम नॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सपोज एफ टू फोर्स से। क्या एम नॉट पे दो फोर्सेज लगेंगे? यस, एक इधर और एक इधर, और दोनों का रिजल्टेंट अपन को सॉल्व करना है। अच्छा, दोनों अपोजिट है तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेपरेट करके सीधा सीधा निकल जाएगा। तो पहले हम F1 की वैल्यू लिख लें, जल्दी बताइए सभी लोग, F1 की वैल्यू कितना होगा? G M1 M2 दोनों मास का प्रोडक्ट M into M0 upon R square, और F2 G अब इन दोनों का प्रोडक्ट 2M into M0 upon, बोलिए बड़ा कौन है? F1 और F2 में बड़ा फोर्स कौन सा है? यहाँ 2 है तो यानी बड़ा हो गया। तो नेट फोर्स में बड़े में से छोटा को घटा दो बेटा, बड़े मैग्नीट्यूड को छोटे मैग्नीट्यूड से, तो नेट फोर्स क्या होगा? F2 माइनस, और डायरेक्शन किधर होगी? नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? बताओ M1 की फोर्स किधर लगेगी? नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट, इधर होता राइट, टुवर्ड्स राइट। तो हम बोलेंगे सर अगर नेट फोर्स बताना है तो नेट फोर्स होगा F2 माइनस F1, बताओ इसमें से 2 में से बन जाएगा तो 1 ही बचेगा ना, यानी हमारे पास आंसर होगा m नॉट g m नॉट अपॉन m इनटू r स्क्वायर टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, बड़े आराम से, सिंपल सिंपल कहानी है।
सीधा सीधा सही से देखो तो बेटा है, थोड़ा स्पीडली में लिखना, थोड़ा स्पीडली में लिखना, मेरा टारगेट पूरा होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड सोचता हूँ वहां तक आराम से पहुंच जाऊं क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ। आराम से मत लिखिएगा, आराम से समझिए, आराम से लिखिए, तेजी से। देखिए, सुनो सुनो सुनो, आप सुनो। देखो बेटा, अच्छा बताओ, मेरी बात सुनो। अच्छा बेटा, एम मास का पार्टिकल है, एम मास का पार्टिकल है, अपनी जगह पर फिक्स्ड है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एम नॉट मास का पार्टिकल है, ये डिस्टेंस मैंने माना आर, ये भी मैंने माना आर, और ये एक्स, वी हैव टू फाइंड द फोर्स, नेट फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन एम नॉट। ये सब आएगा, जिस दिन आएगा ना नीट के अंदर, उस दिन आपको लगेगा हाथ हुआ तो था, पढ़ाए तो थे एम नॉट। तो देखिए यहां पे ये पार्टिकल, इस देखो फोर्स इस पे देखना है, ये इस पे लगा रहा है, बट हमें उससे मतलब ये इस पे देखना फोर्स, तो ये लगाएगा एफ जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर को एफ मान लिया, पहले छोड़ दो लिखना, ये तुम्हारे लिए है, मैं रिवीजन करने नहीं आया, कीबोर्ड पर घिस करके रिवीजन कर लो अपना, ठीक है, ये आपके लिए है, पहले ध्यान से सुनिए, इसलिए मैंने कहा समझिए आराम से और लिखिए तेजी से। अलग ही चलता है, मानते नहीं है। देखिए एम जो एम नॉट पे फोर्स लगा रहा है, एफ एफ की वैल्यू कितना होगा, जी एम वन कौन है, एम एम टू कौन है, एम नॉट, तो जी क्या हुआ, क्या हुआ था बेचारे को, क्या हुआ था भाई, आराम से इमोशनल हो गया था, क्या ज्यादा इमोशनल हो गया था, कोई नहीं बेटा संभालो अपने जज्बात संभालो। देखिए जी एम इंटू एम नॉट अपॉन काय का अंडर रूट स्क्वायर करते हैं, हाँ बोलो, जी एम इंटू एम नॉट अपॉन और मतलब पता ही नहीं पड़ा। अच्छा थोड़ी देर के लिए इसको आर मान लो ना, जी एम इंटू एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, सही बोल रहा हूं, अब ये भी फोर्स लगाएगा, क्या उतना ही मैग्नीट्यूड का इधर होगा, जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड है। अच्छा अगर आप समझदार हैं तो आप देख पा रहे हैं कि एम नॉट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, अच्छा दो लग रहे हैं, वेरी गुड। क्या हम एफ का नेट फोर्स के लिए इसका कंपोनेंट तोड़ दें, किधर है किधर, इसका भी एक कंपोनेंट इधर इधर तोड़ दें, एनी कष्ट, ये थीटा मैंने माना, ये भी थीटा, एफ का कंपोनेंट इधर कितना होगा और इधर क्या, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा कैंसिल, ऐड कौन हो रहा है, तो नेट फोर्स अगर बताना हो तो टू एफ कॉस थीटा लिखेंगे, क्या हम लोग प्यार से समझ पा रहे हैं, yes, चलिए फोर्स की वैल्यू जी एम इंटू एम नॉट लिखेंगे, yes, और अपॉन अब निकालिए ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो रूट घट जाएगा, yes, बहुत बढ़िया। अब चलिए कॉस थीटा, क्या थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, yes, और ये हाइपोटेनियस है, yes, और ये कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना, बेस कितना, चलो कम से कम दिखता तो है थोड़ा बहुत,
नहीं बात ये है कि ना तुम लोग को जगाना है क्योंकि अभी तुम लोग खा पी के आ रहे हो डकार मार रहे हो पड़ोसी जो है डकार से परेशान होगा। तो 2gm into m naught x upon जल्दी बताओ r square देखो r में 1 और यहां 1/2 3/2 लो जी हो गया जी फोर्स। कितना भयानक प्रश्न है। डरना नहीं संभालना अपने आप को। आराम से सब कुछ आराम से कुछ आराम से अरे अरे सेट जल्दी मिटा दे बच्चों। इसी में बेटा एक क्वेश्चन आता है जो आपको पूछा जाता है। बताओ वो क्वेश्चन। अच्छा जानते हो वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जाता है कि बताइए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जहां पर इस पार्टिकल पे m नॉट पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सेंटर से वो डिस्टेंस बताइए, मतलब सेंटर से वो डिस्टेंस मतलब किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, जिसमें कि फोर्स क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए। तो मुंडी ऊपर करके ध्यान दीजिएगा, मैं मिटाता हूं इसे। ठीक देखिए अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा सुनिए। देखिए क्वेश्चन ये पूछता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द फोर्स ऑन एम नॉट बिकम्स मैक्सिमम, the force on m naught becomes maximum। मैं बोलना चाहता हूं, क्या मैं बोलूं? Yes, अंदर से बोल। अच्छा बेटा तो देखिए x की वैल्यू बतानी है जिसमें की, और देखिए अगर नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो आप ये बना भी नहीं पाएंगे, ये क्लियर सी बात है। अब पढ़ा हुआ रहेगा ना तो आप झटके में बना भी देंगे कि भाई इसका आंसर तो यही होता है, हमने पढ़ा है, हमको याद है। ठीक है अब ध्यान दीजिए बेटा, इसमें जरा मुंडी ऊपर करिए और थोड़ा धैर्य से पढ़िए, मुंडी ऊपर करिए और धैर्य से देखिए। अच्छा बताइए ये जो इस पे फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, जी टू जी एम वन एम टू इन टू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब जो मैं कहूंगा उसे आप सुनेंगे और सुनना ही पड़ेगा। मैक्सिमम फोर्स के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं, है ना? ठीक हो? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेचारे अभी जो तुम्हारे मन में ख्याल चल रहा होगा मुझे पता है बच्चों। देखिए एक्स का टर्म यहां दिखाई दे रहा है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, अपन साइड इसको कर दिए हैं। एक्स का टर्म ऊपर है, एक्स का टर्म देखो नीचे है, डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन है तो डिवीजन रूल लगेगा। मैं पूछने वाला नहीं हूं कि डिफरेंशिएशन में डिवीजन रूल क्या है, चिंता मत करिए। आपके दुख दर्द को मैं पहचानता हूं, समझता हूं, मैं आपको कतई परेशान नहीं करूंगा। जोर से बोलिए, मैं आपको कतई, थोड़ा इधर से लंबा जाएगा, डरा नहीं ना, थोड़ा अंदर जाएगा, डर मत जाना बच्चों, मैं कर रहा हूं ना, आप तो एंजॉय करो, बैठे हो आराम से, बैठे रहो आप अपना देर में तैयार कर लो लिखने के लिए। देखिए डिवीजन रूल में पहले न्यूमरेटर ऊपर बोलते हैं डिनोमिनेटर, एज इट इज पहले डिनोमिनेटर को लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस, फिर x को रखते हैं न्यूमरेटर को, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले इसको, अरे हो नहीं पाएगा काय भाई, अभी हम करते हैं ना, इस पूरे को x मानेंगे, इसको इसको एक बार बहुत पहले डिफरेंशिएशन में ना चेन रूल कराया गया था, इसको x मान के चलते हैं, x की पावर 3/2, पावर आ गया था 3/2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, देखो तो नजर आ रहा है क्या, उसके आगे जगह है, बिल्कुल जगह नहीं है, एकदम बिल्कुल सिकुड़ गया मामला, थोड़ा सा होता सा, अरे करो ना सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली, दिस इज सिमेट्रिकली लाइन टेढ़ी, अरे तुम लोग खतरनाक प्राणी हो, आराम से आराम से आराम से आराम से बेटा, क्या बात है, ठीक है, इसको कहते हैं कलाकारी, ये है स्मार्ट वॉच, देखिए तो बेटा यहाँ पर इसमें ये पावर आ गया, देख रहे हो क्या हाल हो रखा है, पावर आ गया एक बार जो है उसको लिखते हैं, पावर में वन सेपरेट करते हैं, और देखिए मैं आपसे आगे नहीं पूछूंगा कि जिसे आप एक्स मानते हैं उसका इनटू में करके डिफरेंशिएशन कर देते हैं, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट टर्म में, और एक्स स्क्वायर का 2x, कुछ लोग सही हो गए होंगे रस्ते में ही, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये सब रूल है, और मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 कर दे, इसलिए मैंने बोला कि अगर नहीं पढ़ा हुआ रहेगा ना तो आप नहीं बना पाओगे, आप नहीं बना पाओगे, फॉर मैक्सिमम मिनिमा द फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0, अच्छा 0 में ये चीज डिवाइड में जाएगा 0, 0 भी ये चीज मल्टीप्लाई में आएगा 0, ये लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 2 से 2 खत्म, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, घबराना नहीं घबराना नहीं, और 3/2 में से 1 जाएगा 1/2, अभी भी मत घबराना, इस माइनस का टर्म उठा के इधर ला, यहां लिख रहा हूं जगह है मेरे पास, पावर 1/2 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, देखो बच्चों इसको मैं अगर नीचे ले जाऊं डिवाइड में जाएगा ना पावर में 1/2, और ऊपर लेके आऊंगा तो पावर में क्या हो जाएगा -1/2, पढ़े लिखे हो क्या, मैं डायरेक्ट यहां से -1/2 कर दूं, इतने बड़े हो गए हो थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे, अब बताओ 3/2 में से 1/2 बचेगा तो 1/2 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 बचेगा 2 बचेगा, 2 का एलसीएम 3 - 1 2 2/2 1 बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस होगा 3x² और एक्स स्क्वायर माइनस वन बोला कितना होगा 2x² बराबर, तो एक्स बराबर आर बाय रूट 2, अच्छा जानते हो ये वर्ल्ड फेमस रिजल्ट है, इसलिए हम लोग को कराना पड़ता है, अगर आपसे अरे रुक जाओ अगर आपसे कहता है कि भाई कहां पे रखे ताकि फोर्स मैक्सिमम हो, रुक जाओ, आर बाय रूट 2 क्या बोलेंगे, अच्छा कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने आर बाय रूट 2 याद करा, तो आर क्या है, आर है सेंटर से इस मास का डिस्टेंस, ड्रामा तब हो जाएगा जब बोलेगा दोनों मास के बीच का सेपरेशन है डी, अब बताओ एक्स क्या फोर्स मैक्सिमम होगा, तो डी बाय 2 रूट 2, आर की जगह डी बाय 2 ले, डी है डिवाइड टू नहीं होगा डिवाइड टू रूट 2, तो याद रखते हैं लोग अगर सेपरेशन डी है तो डिवाइड टू रूट 2, और अगर आधी सेपरेशन है तो आर बाय रूट 2, बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, लिखो लिखो नॉर्मली बच्चों को ये याद रहता है आराम से
आराम से क्या क्या लिख दिया मैंने, कहाँ कहाँ लिखा है, समझ पा रहा तुम लोगों? ये इसके बाद ये नहीं है, ये अलग है। हो गया, मिटा बच्चों। भैया शांत, सब ठीक हो ना तुम लोग? कोई कष्ट वष्ट तो नहीं हो रहा ना? चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए देखिए, छोड़ दो। बच्चों देखिए ध्यान से, बहुत आराम से सुनिए, इधर ध्यान से देखो बच्चों, इधर ध्यान से। अच्छा आप लोग क्या याद रखेंगे पहले ये मुझे बताओ। देखो जो, क्योंकि इतना करने का वक्त किसी के पास नहीं है, हमें जो चीजें याद रखनी है बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। इधर सुनो बेटा, अब जैसे मैं कहूं कि अगर आपसे कहे कि वाई एक्सिस पे, इधर ध्यान सुनना, ये एक्स एक्सिस है, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा और आप बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको कि ये बहुत सिंपल है, करना क्या देखिए। अगर बोलेगा वाई एक्सिस पे दो पार्टिकल रखे हुए हैं, जैसे कि ये एम मास का पार्टिकल है, ये भी एम मास का पार्टिकल है, लेट अस सपोज। अब यहां पर बेटा ये जो है 0, a है और ये 0, -a है, ठीक है। अब यहां पर बोलेगा ओरिजिन पर m नॉट मास का पार्टिकल है, अगर ओरिजिन पर m नॉट मास का पार्टिकल है, बोलेगा इस ये दोनों अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है, ये हिलेंगे नहीं, फिक्स्ड है, हिंज्ड है ना, अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है। अब बेटा m नॉट मास का पार्टिकल यहां रखें, ओरिजिन पर है, तो हम कहेंगे सर ये पार्टिकल जितना फोर्स से नीचे की तरफ पुल करेगा, ये मास इसको m नॉट अपनी तरफ m नॉट को खींचेगा, दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट है, रिजल्टेंट जीरो। हम बोलेंगे सर ओरिजिन पर फोर्स विल बी जीरो, यानी यहां पर मिड पॉइंट पे पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स जीरो होगा। अब आपसे कहेगा m नॉट पार्टिकल को, m नॉट पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, अब यहां रखें तो फोर्स बताइए, यहां रखें तो फोर्स बताइए, यहां रखें तो फोर्स बताइए, है ना। तो m नॉट पर जो लगने वाला फोर्स है इन दोनों के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो x के साथ कैसे वैरी करेगा, तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने को आएगा, ये ग्राफ है बेटा, ये तो पार्टिकल फिक्स था। अब देखिए यहां पे फोर्स ये ले रहे हैं f, फोर्स वर्सेज x ग्राफ, है ना, ऐसे करके सवाल आएगा, पढ़ा हुआ रहेगा, ग्राफ समझ में आएगा। देखिए जब x बराबर 0 है, यानी ओरिजिन पर है, तो फोर्स इज 0, तो यानी कि फोर्स 0 है x पर 0 पर। जैसे जैसे x बढ़ेगा फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पर जाके क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अच्छा
और फोर्स होगा इधर की तरफ अट्रैक्टिंग, क्योंकि जब एम नॉट इधर होगा ना तो ये मास और ये दोनों मास मिलके नेट फोर्स इधर की तरफ खींचेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये खींचेगा तो जैसे से इधर जाएगा फोर्स इंक्रीज करेगा, जीरो है तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, एक जगह मैक्सिमम होगा। अच्छा बताओ जहां पर मैक्सिमम होगा उस समय एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ए बाई रूट टू या ए बाई टू रूट टू? अच्छा अगर ये सेपरेशन डी होता तो क्या बोलते हैं आप, डी बाई टू रूट टू। अगर सेपरेशन दिया रहता तो डी बाई टू, आधा डिस्टेंस ए है तो क्या लिखेंगे, ए बाई रूट टू। तो बोलेंगे सर ठीक ए बाई रूट टू पर यहाँ पर ये जो है फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, सुनना ध्यान से, और फिर आगे जाएंगे तो फोर्स इंक्रीज करेगा, यहाँ से जीरो से बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से डिक्रीज करते 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 इनफाइनाइट सेपरेशन पे चला जाएगा, और जब इंफिनिटी पे चला जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा। अब वैसा ही काम इधर होगा, तो जानते हो बेटा इसका ग्राफ ऐसा होता, देखिए ए बाय रूट टू पर इधर भी मैक्सिमम, ए बाय रूट टू पर इधर भी मैक्सिमम, बस डायरेक्शन या अपोजिट होगा। नेगेटिव साइड में फोर्स, इसलिए फोर्स नेगेटिव साइड में, एक्स तो पॉजिटिव है, अगर मैं इधर जा रहा हूं तो एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन में, इसलिए माइनस के साथ गया। और जब मैं इधर जाऊंगा एम नॉट कहीं यहां पर होगा तो ये इसको इधर खींचेगा, फोर्स की डायरेक्शन अब इधर की साइड है, इसीलिए देखिए मैंने इधर खींचा, इधर की साइड ऊपर, इधर की साइड नीचे। बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं, ऐसा भी डायग्राम दिया जाएगा, ऐसा भी दिया जाता है और ऐसा भी दिया जाता है, सही ऑप्शन ये देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम एक्स पॉजिटिव में जा रहे हैं तो फोर्स उल्टा लग रहा है नेगेटिव की साइड में, इसलिए नेगेटिव वाला पहले इधर की साइड आएगा, और जब एक्स नेगेटिव में जा रहा है तो फोर्स पॉजिटिव में है, देखिए इधर नेगेटिव साइड है तो फोर्स पॉजिटिव साइड लग रहा है, इसलिए ये ग्राफ देना है। बोलो क्लियर हो गया? बना ये माइनस है, घबराने का नहीं। आराम से देखिए बेटा, दे बच्चों देखो देखो एकदम ईमानदारी से देखो, सुनो बाहर होने वाले घटनाक्रमों पर कृपया ध्यान न दें, ठीक है, एकदम आराम से पढ़ते रहिए। देखिए अच्छा बेटा एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे एम मास का पार्टिकल रखा है, बताइए कि फोर्स एक पार्टिकल पर बाकी दो की असर कितना है, किसी एक पे फोर्स बताना है, क्या बताना बेटा, किसी एक पे फोर्स बताना है बाकी दो के कारण। तो ध्यान दीजिए और साइड मान लीजिए ए है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा मान लो इस पे फोर्स देख रहे हैं हम, अच्छा देखते हो, मजा आ रहा है आपको देखते हुए मुझे, अच्छा लिखते हो, आओ देखें मिलके। देखो इस पे फोर देख रहे हैं, किसकी वजह से, ठीक है, तो आप ठीक है ना, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे सर
कल अध्याय दे दो। इस पार्टिकल पे फोर्स बताना है इन दोनों के कारण। बैठने में दिक्कत हो रही कि नहीं बेचारा वो टॉपिक बहुत देर से उसे पकड़े हुए कि भाई ज्यादा बात लेकिन केवी बोल रहा है कुछ कुछ होता है भाई तुम नहीं समझोगे, हमें उधर बैठना है, हमें कभी यहाँ बैठना है, वो बैठ ही नहीं पा रहा है, उसका पंजा जो है ना बार बार ऐसे मार रहा है, उसे उछलना है। आराम से आराम से ठीक से पकड़ के बैठता है टॉपिक, केवी रूम ना जाए। देखिए बेटा इस पार्टिकल पे फोर्स देखना है मुझे इन दोनों की वजह से, ये मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मैं इसमें फोर्स देख रहा हूं, ये पार्टिकल इस पे लगा रहा है बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हम इस पे देख रहे फोर्स, ये मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, उस फोर्स की वैल्यू जो भी होगा उसको मैंने एफ मान लिया, और ये मास इसको खींचेगा, इस फोर्स की वैल्यू जो भी होगा उसे मैंने एफ मान लिया। क्या इस मास पे दो फोर्सेस लग रहे हैं? यस। और मजे की बात है कि इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, और अगर थोड़ा पढ़े लिखे हो तो आधा आधा बांट के 30 डिग्री 30 डिग्री कर दें, और काश थोड़ा और पढ़े लिखे रहते तो फोर्स का कंपोनेंट भी तोड़ना जानते हैं, बोलो सही तोड़ रहे हैं? और बताओ कौन सा कंपोनेंट कटेगा और कौन सा कंपोनेंट एडअप होगा? अच्छा एक्स साइन 30 तो कट जाएगा और एक कॉस 30 ऐड हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना होगा? क्या बात है ना आसान, 2f cos 30, cos 30 root 3 by 2। अरे क्या हुआ? और f की वैल्यू क्या होगा? g, ये किसी एक की तरफ से ये जो फोर्स लगाएगा g m square upon a square root 3। लो जी हो गया जी, ये सब छोटे छोटे सवाल आते हैं भाई, सब छोटे छोटे सवाल आते हैं। हो गया, समझो आराम से, लिखो तेजी से। अच्छा एक सवाल आप बनाओगे? yes, मन कर रहा है ना बनाने का? yes, खाने के बाद सुस्ती लग रही है नहीं? बहुत ज्यादा सुस्ती लग रही है, नींद आ रहा है, कौन लेके आ गए? ठीक है, रजाई कंबल बाहर रख के आया है, जरूरत पड़े तो यही सो जाएगा, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, चलो बेटा इस सवाल को बनाइए, आराम से बनाइए, देखिए घबराइए नहीं, घबराइएगा तो रायता फैल जाएगा। एक स्क्वायर है, शांत, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे एम मास का पार्टिकल है, शांत शांत अभी नहीं छोड़ रहे, टेंशन मत लो, दो चार पांच मिनट गहरी सांस लो एकदम खींच के और अंदर रखो, अंदर ही रखो, जल्दी से मत छोड़ना, जितना दम उतने देर तक अंदर रखे ना सांस को, फिर छोड़ो हवा को, देखो फिर ठीक रहेगा। हाँ इससे क्या रहेगा ना, तुम्हारा फोकस जो है वो अच्छा और बनेगा। तुमने कर लिया क्वेश्चन? अरे वाह, बोलो बोलो बोलो, फिर से एक बार बोलो अमित जी। ठीक ठीक बोलो के भी, हाँ बोलो, अरे वाह बोल बेटा बोल बोल, क्या बात है, बस ए स्क्वायर बोल देता तो और ठीक हो जाता, ठीक है हाँ कोई बात नहीं। तो देखिए
बहुत ही सिंपल है, मुंडी ऊपर करके किसी एक पे फोर्स दे दीजिए। बेटा थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो, किसी एक पे फोर्स। चलो मान लो इस पे फोर्स देख रहे हैं, इस पे कितने लोग फोर्स लगाएंगे? इस पे तीन या चार? तीन। चलिए ये पार्टिकल इस पे फोर्स अपनी तरफ लगाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सही लिखा? ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ पुल करेगा, कितने फोर्स से? जी एम इंटू एम एम स्क्वायर अपॉन, ये दिख रहा है ना? देखो तुम लोग ठीक हो, बहुत देर तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, लॉन वाला खुबर नहीं हो रहा। अच्छा जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा बताओ ये डायगनली है, ये इसको खींचेगा ना अपनी तरफ, बताओ कितना होगा? जी एम स्क्वायर अपॉन, क्या बात कर रहे हो, डायगनल कितना होता है? ए रूट टू स्क्वायर करो, ए रूट टू का स्क्वायर करो, रूट टू का स्क्वायर टू टू ए स्क्वायर। अब मुझे बताओ एक मिनट, इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? अच्छा देखो बेटा, एक जमाना था जब हम लोग वेक्टर पढ़ा करते थे, और मैंने ये बताया था जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है, परपेंडिकुलर हो, तो रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच होगा, और जितना भी मैग्नीट्यूड उसमें रूट टू मल्टीप्लाई कर लो। ये आधा समझ में, एफ रूट टू डायरेक्ट 90 डिग्री है, मैग्नीट्यूड सेम है, जो भी मैग्नीट्यूड उसमें रूट टू लिख दो, रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। और रिजल्टेंट किसकी तरफ झुका रहेगा, ये वाले या इस वाले की तरफ? बीच में रहेगा, यानी 45 डिग्री पे रहेगा। तो यहां पर देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या इधर की तरफ आएगा, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इन दोनों को देखिए, अरे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और 90 डिग्री का एंगल है, कमाल होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी होगा मैग्नीट्यूड में रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इन दोनों को बोल दो फोर्सेज एक ही तरफ हो गए, पहले क्या करा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया देख लिया हमने, कितना आएगा जल्दी बताओ? जी एम स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। और ये दोनों, अब इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों रिजल्टेंट आया, तीसरा फोर्स भी इधर ही है, दोनों एड अप कर देंगे तो नेट फोर्स नहीं आ जाएगा? तो नेट फोर्स क्या होगा, पहले तो ये लिख लो, जी एम स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट टू। रूट टू मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, और दोनों एक ही तरफ रहता है, एड अप हो गया। ठीक हो गांधी, ठीक हो? नहीं हाँ नहीं, सही है बेटा, मैं पढ़ना है नहीं, आराम करो, आराम करते हुए पढ़ना चाहिए, आराम से। हाँ तुम सृजन तो और लिख सारी रखी है, लेकिन ऐसे बताओ मुझे लगता है ये ऊपर ऊपर से मतलब कहने कहने को अंदर ही अंदर एक रिवेंज तो है आपके सामने ही है दोस्त। अच्छा हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, हर फिजिक्स वाले को तुम लोग दुश्मन ही मानते होंगे। अच्छा एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें करेंगे, ठीक है।